हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे। पिछले वीडियो में हम स्टार्ट एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के सोर्सेज के बारे में बात करते हुए, डेट्स के बारे में बात करते हुए और स्टोन एज भी डिस्कस कर चुके थे। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछला वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे कि हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम दिस इज द जीरो पीरियड, और ये हम बताए थे कि यहाँ पे 5 लाख ईयर्स यहाँ पे ओरिजिन है। दिस इज द ओरिजिन 5 लाख ईयर्स अगो। 5 लाख ईयर्स अगो This is from 5 lakh years ago to up to 2500 before the up to this before this a stone this here यहाँ पे हम लोग stone age के बारे में पढ़े, हम लोग study किए थे। and the stone age was also divided into 4 phases. The first one is the paleolithic, then mesolithic, then neolithic and then chalcolithic. और उसके बाद से हम from 2500 to कह सकते हो तुम 500 तक यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन आ जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम 500 टू अप टू 500 BCE तक कंटिन्यू होता है। उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होता है। तो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको कि हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि माना जाता है कि दिस इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज स्टार्टेड हियर। यहाँ पे सिंधु नदी, इंडस नदी बहती थी और सिंधु इसी के पास ये सिविलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट हुआ है। इस कारण से दिस सिविलाइजेशन इज नोन एज इंडस वैली सिविलाइजेशन। पिछला वीडियो में हम बताए थे कि कैसे स्टोन एज से बढ़ते हुए लोग ग्रुप में सोसाइटी में रहने लगे और एक सभ्यता डेवलप करने लगे, और सभ्यता डेवलप करके लोग सब ग्रुप पे एक सिविलाइजेशन का डेवलप हुआ जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसका एक्सटेंट नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इस पोर्शन में मैक्सिमम इसी पोर्शन तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। और ये इंडस वैली, ये सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता डेवलप होती है, इस नदी के किनारे डेवलप होती है, इसलिए इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट 4 फेज में होता है। 4 फेज में इसका डेवलपमेंट होता है। द फर्स्ट वन इयर, द फर्स्ट वन इज प्री हड़प्पा सिविलाइजेशन। प्री हड़प्पन मतलब ये बिफोर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब स्टार्ट होता है उसके पहले के जो पीरियड होता है उसको प्री हड़प्पन कहते हैं। उसके बाद फिर अर्ली हड़प्पन इस टाइम तक विलेज डेवलप होने लगा था, कई लोग विलेज में रहने लगे थे। उसके बाद द थर्ड फेज इज मैच्योर हड़प्पन। अप टू दिस पीरियड यहाँ पे क्या होने लगा था कि सिटीज डेवलप होने लगे थे, लोग डेवलप होके यहाँ पे सिटीज का डेवलपमेंट होने लगा था। उसके बाद मैच्योर हड़प्पा के बाद लेटर हड़प्पा आता है। एट दिस टाइम क्या होता है कि काफी कुछ डेवलपमेंट हड़प्पा सिविलाइजेशन का हो जाता है। तो इस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन डेवलप इन 4 फेजेस। द फर्स्ट वन इज प्री हड़प्पा, सेकंड वन इज अर्ली हड़प्पा जिसमें विलेज डेवलप होने लगा था, लोग विलेज बनाकर एक साथ रहने लगे थे, और मैच्योर हड़प्पा तक सिटीज तक डेवलपमेंट थोड़ा बहुत होने लगा था, और लेटर में काफी कुछ अच्छा अर्बन सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन को अर्बन सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो इस तरीके से हड़प्पा सिविलाइजेशन का स्टार्ट होता है। अभी एट प्रेजेंट क्या है कि अभी एट प्रेजेंट मोर देन 300 साइट्स हैव बीन फाउंड। अभी भी 300 से ज्यादा साइट्स मिला है हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, रिसोर्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। हियर द टू आर्कियोलॉजिकल हु टोल्ड अबाउट द हड़प्पा सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट वन इज द फर्स्ट पर्सन आर्कियोलॉजिकल हु टोल्ड वॉज राखल दस बनारसी। राखल दस बनर्जी हु टोल्ड अबाउट द मोहनजोदड़ो। राखल दस बनर्जी ही वाज द आर्कियोलॉजिकल हु हैज फाउंड अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ही हैज गिवन इंफॉर्मेशन अबाउट द मोहनजोदड़ो। ही हैज फाउंड
He has found the cities of Mohenjo-daro. Another archaeological who found about the Indus Valley civilization city was Dayaram. Was Dayaram Sahani. He has found about the Harappa city. ये हरप्पा सिटी के बारे में बताते हैं. एंड अनदर आर्कियोलॉजिकल हुज नेम वाज जॉन मार्शल. ही वाज अनदर पर्सन. जॉन मार्शल वाज अनदर आर्कियोलॉजिकल हु टोल्ड इन 1924 टू इंडिया दैट हु टोल्ड दैट हरप्पा सिविलाइजेशन वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑन दिस अर्थ. जॉन मार्शल ये पूरे विश्व को पूरे भारत को बताते हैं कि दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द इससे पहले लोगों को वैदिक एज आर्यन एज को ही सबसे पहले सिविलाइजेशन लोग मानते थे. लेकिन ही हैज टोल्ड टू होल्ड वर्ल्ड दैट नो बिफोर आर्यन इंडस सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट सिविलाइजेशन विच एग्जिस्ट इन दिस रीजन. इस रीजन में इसका एग्जिस्टेंस होता है हड़प्पा सिविलाइजेशन का. यहाँ पर क्या होता है हरप्पा सिविलाइजेशन डेवलप फ्रॉम विलेज. इसका डेवलप फ्रॉम विलेज ये डेवलप होता है विलेज से बढ़ते हुए ये टाउन के तरफ इसका डेवलपमेंट होता है. टाउन के तरफ डेवलपमेंट होता है फ्रॉम टाउन टू द सिटीज. अर्ली मैच्योर लेटर बर्थ तक आते आते हरप्पा सिविलाइजेशन का काफी कुछ डेवलपमेंट हो जाता है. लाइक दिस हरप्पा सिविलाइजेशन डेवलप्ड. नाउ द व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन. हम आगे देखते हैं कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन. हरप्पा सिविलाइजेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, या फिर तुम कह सकते हो कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ हरप्पा सिविलाइजेशन. क्या फीचर्स इसका क्या क्या है हरप्पा सिविलाइजेशन का. द फर्स्ट फीचर इज दैट हरप्पा सिविलाइजेशन इज द अर्बन सिविलाइजेशन है. ये शहरीकरण नगरीकरण सिविलाइजेशन था, ये अर्बन सिविलाइजेशन था. हरप्पा सिविलाइजेशन वाज आल्सो नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन. क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो सिटीज डेवलप हुए, द सिटी विच वाज डेवलप इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज डेवलप सिटीज इन दैट सिटीज. वहाँ पे ग्रिड पैटर्न से स्टार्ट हुआ था. The city was developed in grid pattern. Grid pattern में cities का development हुआ था. Now, what is grid pattern? Grid pattern में क्या होता है कि जब cities develop होती है like this, ये grid इस तरीके का grid का तुम देखे हो सिर्फ इस तरीके से होता है. तो जो cities develop होती थी वो road के just sides से होता था like this. जैसे ये आपका ग्रिड पैटर्न है, ये नॉर्थ से साउथ इस तरीके का रोड का डेवलपमेंट होता था. और सिटी होती थी वो 90 डिग्री के पे, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे सिटीज डेवलपमेंट हुआ करता था. इस तरीके से यहाँ पे सिटीज डेवलपमेंट हुआ करता था जिससे दिखाता है कि यहाँ पर जो शहर था वो काफी डेवलप तरीके से बना हुआ था. रोड से बिल्कुल ही अटैच था. और इसकी जो ओपनिंग हुआ करती थी, ये जो घर की ओपनिंग हुआ करती थी वो रोड की तरफ ना होकर इसकी ओपनिंग इस तरफ से हुआ करती थी. तो जो द सिटीज वार डेवलप इस तरीके से इसका जो डेवलपमेंट था बिल्कुल रोड के साइड से हुआ करता था, जो कि दिखाता है कि द सिटीज वाज वेरी मच डेवलप. सभी जो घर थे वो बिल्कुल रोड से कनेक्टेड हुआ करते थे. और यहाँ पे इसके साथ साथ ही इसी में ड्रेनेज सिस्टम भी डेवलप, रोड के साथ ही ड्रेनेज सिस्टम का भी डेवलपमेंट हो जाता है. रोड के जब सिटीज बनती थी तो सिटीज के साथ साथ इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था. इसका नॉर्थ टू साउथ स्लोप हुआ करता था. ढलाव इसकी जो रोड थी वो ढलाव थी और ड्रेनेज सिस्टम रोड के अंदर ही बना हुआ करता था. और सारे जो घर थे all the houses were attached to this drainage system. इस कारण से वहां पे कभी भी वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम नहीं हुआ करता था. जैसा कि अभी तुम लोग पटना में देखते हो किस तरह का वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता है, पर ये प्रॉब्लम इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी उस टाइम लोग इस चीज को देखते हुए काफी एडवांस तरीके में और डेवलप तरीके से रोड को सिटीज को डेवलप किए थे. तो दर्शाता है कि उस टाइम तक कितने लोग डेवलप हो चुके थे. और इस तरीके से डेवलपमेंट अभी का जैसे तुम कह सकते हो एट प्रेजेंट जो चंडीगढ़ सिटी कह सकते हो, चंडीगढ़ या गांधीनगर इस तरीके का जो सिटी है वो अभी भी उसी बेसिस पे ये भी डेवलप है जहाँ पे वाटर लॉगिंग का ज्यादा प्रॉब्लम वगैरह नहीं होता है.
इसमें हरप्पा सिविलाइजेशन में जो सिटीज थे वो डेवलप थे, यहाँ पे सिटीज दो पार्ट में डेवलप थे, सिटीज वाज डिवाइडेड टू टू पार्ट, ये ईस्ट और वेस्ट के तरफ डिवाइडेड थे, इसलिए जो सिटीज थे वो ईस्ट और वेस्ट की तरफ डिवाइडेड थे, वेस्ट सिटीज जो था वो थोड़ी ऊंचाई पे थोड़ा डेवलप वहाँ पे बने हुए थे, जिसको सितारे कहा जाता था, जो वेस्ट सिटीज था वो ऊंचाई पे डेवलप था जिसको सितारे कहा जाता था, और ये माना जाता था कि हेयर द रूलिंग क्लास पीपल यूज टू लिव, यहाँ पे बड़े राजा महाराजा रूलिंग क्लास पीपल यहाँ पे रहा करते थे, और जो ईस्ट का जो पार्ट था वो प्लेन एरिया हुआ करता था, दिस सिटीज वाज डेवलप इन द प्लेन रीजन, और यहाँ पे माना जाता है यहाँ पे कॉमन लोग यहाँ पे रहते थे, तो इस तरीके का सिटी का डेवलपमेंट उस टाइम तक बहुत ही अच्छे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन में दिखाता है कि सिटीज का इस तरीके का डेवलपमेंट होता है। तो ये आगे इसका ट्रेड, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड और कॉमर्स भी काफी इंडस इसका काफी कुछ डेवलपमेंट हो जाता है, ट्रेड और कॉमर्स इसका काफी अच्छा डेवलपमेंट ये होता है, ये पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज डेवलप्ड एट गुड रेट, यहाँ पे अच्छे तरीके से डेवलप हो जाता है ट्रेड और कॉमर्स का, जिसके कारण यहाँ पे एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत अच्छा था, द एग्रीकल्चर इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वेरी वेरी मच गुड, यहाँ पे एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा होता है, जिसके कारण इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ट्रेड एंड कॉमर्स और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के कारण, ये दोनों के कारण इकोनॉमिकल डेवलपमेंट वाज वेरी गुड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है जो दर्शाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज वेरी मच डेवलप्ड सिटीज, मेनी यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट था, द वाटर मैनेजमेंट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन वाज वेरी मच ऑल्सो गुड, यहाँ का जो वाटर मैनेजमेंट था वो भी बहुत अच्छा डेवलप था, कई बेल्स बने हुए थे, साथ ही साथ स्टेप बेल्स भी बने हुए थे, स्टेप बेल्स क्या होता था, ये वाटर रिजर्वायर होता था, जैसे कि मानो कि ये सीढ़ी है और ये सीढ़ी से उतरने के बाद यहाँ पे पानी जमा हुआ करता था, और इस रिजर्वायर में पानी को जमा कर किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था, विच वॉज यूज फॉर द पीपल एंड ऑल्सो यूज फॉर द एग्रीकल्चर, और इसकी जो अवशेष मिला है ये ढोलावीरा में इसके अवशेष मिला है स्टेप वेल्स का, ढोलावीरा इज इन गुजरात, ये गुजरात में है, तो ये वाटर मैनेजमेंट वॉज ऑल्सो वेरी मच गुड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, में वाटर मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पे डेवलप था, सैनिटेशन वाज आल्सो डेवलप, सैनिटेशन वहां पे जितने भी घरे थे ऑल द हाउसेस वेयर हैविंग द टॉयलेट सिस्टम, सभी घरों में टॉयलेट सिस्टम बहुत अच्छा ही बना हुआ था, और ये दिखाता है कि उस टाइम लोग स्वच्छ भारत अभियान को भी अच्छा तरीके से वहां पे रखते थे, तो इस तरीके से इंडस वैली सिविलाइजेशन बिल्कुल ही शहरीकरण और नगरीकरण क्षेत्र था, इसलिए इसको अर्बन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। नाउ व्हाट वी हैव फाउंड इन हड़प्पा सिविलाइजेशन, हम लोग को क्या क्या मिला है, व्हाट आर द थिंग्स विच वी हैव गॉट इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, द फर्स्ट वन इज ग्रेट बाथ के अवशेष मिले, विच इज फाउंड इन मोहनजोदड़ो सिटी, मोहन जोदड़ो में मिला है, ये बताता है ग्रेट बाथ जिसमें राजा महाराजा लोग स्नानागार, जिसको हिंदी में स्नानागार भी कहा जाता है, तो ये बताता है कि शायद उस जमाने में लोग जो राजा महाराजा हुआ करते थे उसमें स्नान करते थे, या कई लोग इससे ये भी पता चलता है कि किस रिलीजियस पर्पस के लिए वहां पे लोग इकट्ठा होते थे और उसको रिलीजियस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। द सेकेंड वन इज ग्रैनरी, और क्या हमें मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, ग्रैनरी इज ऑल्सो फाउंड, ग्रैनरी इज फाउंड इन मोहनजोदड़ो एंड इन हड़प्पा ऑल्सो, ये मोहनजोदड़ो में और हड़प्पा सिटीज में भी पाया गया है, ग्रैनरी मिलने का ये बताता है कि डेट एग्रीकल्चर वॉज वेरी मच गुड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था जिसके कारण सरप्लस यहाँ पे ग्रेन्स होता था, जब सरप्लस ग्रेन होगा तो उसको रखने के लिए वहाँ पे पोएट्री का बनेगा, यहाँ पे बर्तन बड़े बड़े बनेंगे जिसमें अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता था, ग्रेनरी बड़े बड़े बहुत बड़े 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 अनाज रखने के लिए एक बड़ा सा बनता था जिसमें अनाज को उसमें रखा स्टोर किया जाता था, तो ये बताता है कि उस टाइम बहुत अच्छा एग्रीकल्चर था जिसके कारण सरप्लस ग्रेन्स हुआ करता था और ग्रेनरी में उसको स्टोर किया करते थे।
तो ये जो अवशेष मिले हैं जो बताता है नस्वारी सिविलाइजेशन के बारे में. नाउ व्हाट इज द इकोनॉमिकल कंडीशन, व्हाट इज द इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन पीपल. इकोनॉमिकल लाइफ, इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसा था. एट दिस टाइम द ट्रेड एंड कॉमर्स वॉज डेवलप एट अ गुड स्पीड. यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स बहुत ही अच्छा डेवलप होता है, साथ ही साथ इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो डेवलप्ड. इंडस्ट्री भी बनता है जिसके कारण कई गुड्स बनते हैं और ट्रेड एंड कॉमर्स जो कि बहुत अच्छा इसमें होता है. एग्रीकल्चर अच्छा होता है, एग्रीकल्चर होता है जो कि दिखाता है कि दे वेयर हैविंग ट्रेड विद द अदर्स रीजन ऑल्सो. अदर रीजन के साथ ये लोग का ट्रेड हुआ करता था. इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज ऑल्सो हैविंग ट्रेड विद द अदर रीजन. उस टाइम और भी कई अलग सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था, जैसे मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, चीन सिविलाइजेशन और भी कई कई सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था जिसके साथ इंडस वैली सिविलाइजेशन का ट्रेड हुआ करता था. तो यहाँ पे इकोनॉमिकल लाइफ बहुत ही अच्छा लोगों का था. आर्ट एंड कल्चर में भी इसकी डेवलपमेंट को पाया गया है. इंडस वैली सिविलाइजेशन का आर्ट एंड कल्चर में भी इसके डेवलपमेंट को पाया गया है. जैसे में यहाँ पे बहुत सारे ये ब्रोंज एज इमेज पाया गया है. ब्रोंज एज जो कि कॉपर और टिन से मिलकर बने लगा था, जो कि कॉपर से थोड़ा स्ट्रॉन्ग मेटल है ये. कॉपर जो था वो खेतरी से लाया कर खेतरी भी चीज राजस्थान एंड टिन इज ब्रॉट फ्रॉम अफगानिस्तान है. अफगानिस्तान से लाते थे और इस तरीके से ब्रॉन्ज वाज आल्सो डेवलप्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का अवशेष मिले हैं. ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल का यहाँ पे अवशेष मिला है जो कि बताता है कि ब्रॉन्ज वाज आल्सो डेवलप्ड एट दिस टाइम एंड दिस ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल स्टैचू शोज दैट दे आर हैविंग इंटरेस्ट इन डांसिंग एंड दिस आर्ट एंड कल्चर. और क्या मिला है, साथ ही साथ स्टोन स्टोन बियर्ड मैन का इमेज मिला है. स्टोन बियर्ड मैन का इमेज बना है जो कि बताता है, वो किसी ने बताया कि शायद वो किसी राजा का है या वो फेस है या फिर किसी साधु का फेस है. तो इस तरीके से यहाँ पे काफी कुछ इंफॉर्मेशन आर्ट एंड कल्चर लाइफ में बताता है. अनदर थिंग्स व्हिच वी हैव फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज सील. Seal was also fine. Seal is like a mohur. We saw that this Indus Valley civilization was having trade with the other civilization also. Seal क्या है? Seal is made up of the clay. ये clay से बना हुआ रहता था और इस पे जैसे कि ये मानो कि ये seal है, this is a seal है और इसमें मोहर लगा दिया जाता था. इस तरीके का कुछ लिखा होता था. तो seal was made up of the clay. It is made up of the clay. Unicorn seal यहाँ पर मिला है. Unicorn seal मिला है. इस सेल पे कई जानवर के मोहर लगा हुआ करता था. किसी आदमी का मोहर लगा हुआ करता था और जब कुछ सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पे करने के लिए भेजा जाता था तो उसको सील लगा के उसको पैक करके सील इस तरीके से लगाया जाता था जिससे पता चलता था कि इसका ट्रेड यहाँ से अगले जगह पे होता है. दिस ऑल्सो शोज दैट दिस थिंग शोज दैट द ट्रेड वॉज वेरी मच गुड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. Another things which we have found in Indus Valley civilization was Pashupati seal was also found. In Pashupati seal, Pashupati जो कि माना जाता है कि ये शिव के इमेज बना हुआ करता था और इस इमेज में कई जानवर के भी चित्र पाए गए हैं. जैसे में इसमें एलिफेंट के भी चित्र पाए गए हैं, जैसे इसमें और डियर के भी चित्र पाए गए हैं, इसमें टाइगर के भी चित्र पाए गए. इस तरीके से बहुत सारे जानवर के उसमें चित्र पशुपति सील में पाया गया जो कोई बताता है कि रिलीजियस नेचर को ये लोग जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन यूज टू वर्शिप द नेचर, नेचर को प्रे करते थे, वर्शिप करते थे. तो रिलीजियस में तुम कर सकते हो कि रिलीजियस वॉज ऑल्सो डेवलप्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. ऐसा कुछ श्योर नहीं है पर ये सब अवशेष से पता चलता है कि दैट दे वर हैविंग ऑल्सो फेथ इन द रिलीजियस क्योंकि टेराकोटा
बताता है कि दैट देवर हैव दे यूज्ड टू वर्शिप लेडीज गॉडेस के रूप में वो लोग पूजा करते थे, पशुपति शिव के रूप में पूजा करते थे, एंड दे आल्सो यूज्ड टू वर्शिप दिस नेचर. तो ये दिखाता है कि रिलीजियस भी वहां पर डेवलप हो चुका था. यहाँ पर ये दिखाता है कि व्हाट देखते हैं कि सिटीज तो सिटीज जो डेवलप हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बहुत सारे सिटी डेवलप हुआ था. और यहाँ पे मेन मेन जो सिटी तुम कह सकते हो, द फर्स्ट वन इज पहला जो सिटीज जो सिटीज डेवलप हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन में, सिटीज विच वॉज डेवलप इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज मोहन जोदड़ो विच वॉज ऑल्सो द, कई लोग बताते हैं कि मोहन जोदड़ो वॉज द कैपिटल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो मोहन जोदड़ो वॉज फाउंड द सेकंड विच इज इन पाकिस्तान, ये अभी के टाइम में ये पाकिस्तान रीजन में. अनदर वॉज हरप्पा सिविलाइजेशन, हरप्पा सिटी वॉज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी जो कि नॉर्थ के तरफ है, ये यहाँ पे नॉर्थ के तरफ इस तरीके से यहाँ पे नॉर्थ की तरफ हरप्पा सिविलाइजेशन पाया गया. लोथल, नेक्स्ट वन इज लोथल, यहाँ पे गुजरात में लोथल तीसरा जो सिटी पाया गया है, इम्पोर्टेंट सिटी इज लोथल विच इज इन गुजरात, लोथल इज इन गुजरात. और यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पर राइस के दाने अवशेष मिले हैं, हवन कुंड मिले, जिससे पता चलता है कि वो लोग रिलीजियस एक्टिविटी में भी फेथ किया करते थे. अनदर इम्पोर्टेंट सिटीज विच इज फॉर इंडस वैली सिविलाइजेशन इज कालीबंगा विच इज इन नॉर्थ वेस्ट, कालीबंगम विच इज इन नॉर्थ वेस्ट, कालीबंगम इज ऑल्सो वन ऑफ द सिटीज विच इज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन. यहाँ पे क्या क्या अवशेष मिले, यहाँ पे बैंगल्स मिले, हवन कुंड मिले हैं, जिससे बताता है कि लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में भी कई कुछ डेवलपमेंट इसमें कर चुके थे. अनदर सिटीज विच इज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज राखीगढ़ी इज अ फोन विच इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. राखीगढ़ी जो है ये वन ऑफ द बिगेस्ट साइट इंडस वैली सिविलाइजेशन का, एंड दिस इज एट प्रेजेंट दिस इज इन हरियाणा, ये हरियाणा के अभिवाय रीजन में पड़ सकता है राखीगढ़ी. अनदर सिटीज विच वॉज फोन इन इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज धोलावीरा विच इज ऑल्सो नियर द गुजरात, ये भी गुजरात के पास ही है. यहाँ पे स्टेप्स वेल्स के, जैसा कि पहले बताएं कि स्टेप वेल्स यहाँ पे अवशेष मिले. तो दीज आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटीज विच इज फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस एरिया में ये सभी इस तरीके से ये सिटीज का डेवलपमेंट होता है. यहाँ पे ब्यूरियल्स का भी, यहाँ पे ब्यूरियल्स का भी यहाँ पे ब्यूरियस के बारे में भी पता चला है. ब्यूरियस के बारे में ये पता चला है कि जो लोग जब यहाँ पे जब लोगों की मृत्यु होती थी तो उस तो उन्हें जमीन के अंदर गाड़ा जाता था. और साथ ही साथ ब्यूरियस में ये भी पाया गया है कि दो व्यक्ति के साथ में एक साथ स्केलेटन पाया गया, जो बताता है कि शायद हो सकते हैं कि हस्बैंड वाइफ का ये बॉडी होगा, जो या तो हस्बैंड के मरने के बाद वाइफ को साथ में डाला गया हो या फिर दोनों साथ में मरे होंगे, तो एक साथ दोनों को बरी किया गया है. द स्केलेटन इज फाउंड फ्रॉम दिस ब्यूरियल. साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि जिस प्लेस पे बॉडी को ब्यूरो किया जाता था वहाँ पे कई पॉट्स मिले हैं, जिसमें ये बताता है कि वो लोग ऐसा धारणाएं रखते थे कि उसके साथ इंसान के साथ वो लोग काफी कुछ जमीन के अंदर डालते थे. कई एनिमल्स के भी स्केलेटन्स मिले हैं जो उसको साथ में डालते थे, और ये बताता था कि ऐसा इन्हों मानते थे, धारणाएं थे कि मरने के बाद भी ये लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. तो बेरियस में इस तरीके से बनाता है स्केलेटन फाउंड हुआ है. और फिर आगे ये जो सिविलाइजेशन था 2500 से आगे बढ़ते हुए इसकी डिक्लाइन हो जाती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है. अराउंड 500 BCE तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है. और डिक्लाइन के कई मल्टीपल रीजंस बताते हैं, अभी तक वैसा कुछ कंफर्म एग्जैक्ट सही कुछ वैसा नहीं है कि क्यों ये डिक्लाइन हुआ था. इसमें कई रीजंस बताते हैं, जैसे मैं कुछ बताते हैं कि यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है, फ्लड, वहाँ पे फ्लड हो सकता है कि उस रीजन में फ्लड आया होगा और पूरे उस सिविलाइजेशन को अपने साथ बहा के लेके चला गया होगा, जिसके कारण से इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया होगा. कई बताते हैं कि वहाँ पे ड्रॉट आया होगा,
ड्रॉट आया होगा जिसके कारण फैमिन सूखा पड़ा होगा, जिसके कारण खेती नहीं हुआ होगा और लोग अकाली के कारण भुखमरी के कारण लोग मर गए होंगे और इसका सिविलाइजेशन का एंड हो जाता है। अनदर रीजन ये भी, अनदर आर्कियोलॉजिकल ये भी बताता है कि वहां पर ड्रॉट के साथ साथ पैंडेमिक मतलब महामारी जो डिजीज होता है वो आया हुआ, कुछ ऐसा महामारी डिजीज आया हुआ जो सभी लोगों को होने के बाद उस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो गया होगा, पूरा सिविलाइजेशन का खात्मा हो गया होगा। फिर ये अंदर रीजन ऑल्सो कम ये भी बताता है कि आर्यन जो कि इसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो वैदिक एज का सिविलाइजेशन का जो डेवलप होता है विच वॉज स्टार्टेड बाई आर्यंस, तो ये भी कहा जाता है कि जब आर्यंस लोग आए थे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को हटा दिए थे, वो लोग एंड कर दिए थे और उसके बाद आर्यन जो कि सेंट्रल एशिया से, इसके बारे में भी कई कुछ धारणाएं इसमें हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन के कारण ये भी बताया जाता है कि आर्यन लोग शायद आए थे और इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड करके अपना आर्यन स्टार्ट किए थे। इसका ज्योग्राफिकल रीजन भी बताया जाता है, ज्योग्राफिकल रीजन भी बताया जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पर अर्थक्वेक आया होगा, अर्थक्वेक आने के वजह से इस सिविलाइजेशन का एंड हो गया होगा। तो इस तरीके से कई आर्कियोलॉजिकल के अनुसार कई रीजन आता है कि ड्यू टू दिस रीजन इंडस सिविलाइजेशन वाज डिक्लाइन, इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो जाता है। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस किए विच वाज जो कि 2500 से स्टार्ट होकर 500 BCE तक चलता है। तो थैंक यू टू एवरीवन, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे इस एंशिएंट हिस्ट्री में बढ़ते हुए आर्यन एज के तरफ हम लोग जाएंगे। थैंक यू टू एवरीवन।